हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, सुनियो की हाल ने। उम्मीद करना कि तुम खैर करियत नाल सो ते ठीक ठाक हो सो। अच्छा कल ना मैं लाहौर जाण दा प्रोग्राम बनाया आ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया वापस आया लाहौर तो। कल मेरा दिल आ प्रोग्राम आ कि मैं वापस जड़ा ना वो चला जावा। ते डेरे ते आया, नाश्ता लैके रोटी छोटी खवाइए, ते मैं अबे रनू आख्या कि ठीक है हूँ मैं ना चलदा ते अल्लाह सोने दे फाले। ते मैं चला गया तकरीबन 8:30 बजे डेरे तो ना निकल गया। ते घर गया, दाढ़ी शाड़ी बनवाई है, दाढ़ी शाड़ी सैटिंग करवा के उत्थे मोटर ते पिंड नाता नहा नू के घर गया। कपड़े शपड़े चेंज किए ने उन्हें, काफ़ी टाइम इस प्रोसेस लग गया, तकरीबन 11 बज गए। अच्छा जी कपड़े शपड़े चेंज किए, चेंज करने तो बाद बिल्कुल तैयार आ लाहौर निकलन वास्ते। एक पिंड का मुंडा भी लाहौर होंदा है, उनके नाल ही मतलब ना इकट्ठे असी जा रहे हैं। दो दिन इस वजह तो रुक गया, उनकी वजह तो वह भी आ गया, तो उसके वापस जरा ना इकट्ठे लगे जावे मोटरसाइकिल पर। मैं मोटरसाइकिल भी लैके जाना, तो उदान अगे वीडियो विखाया मैं वो पीटर की सैटिंग, तो बैल्ट तो पीटर जड़ा ना वो सैटिंग की आई। पीटर भी किस है वो जिन्हों का पीटर है उन्हें ही बैल्ट की सैटिंग मैटिंग की, क्योंकि उन्होंने नाल जमीन है ना, तो वह भी चलो पवेंद रासन तो असं भी वाई शाई पवेंद रसाए पानी छानी अपनी बाई में देर ली सा। वो कल जी उन्होंने अपनी वाई पिवा ली, तो कल ना वो मैं जल्द वापस घर गया ना तो वालद ना तो चाचे मेरे रल के, वो चाचा भी तुम्हें पता है वीडियो वेख्या होना है मैं माजूर है, लत टुटी हुई है, सोटे तो आसरे से ही टुटते हैं। तो ना पीटर उन्हें चला दिता है पिछे, वो अब्बा बैल्ट छिकदा छिक लिया, तो वो चाचे गेड़ा छेड़ा मारिया, वो पीटर जड़ा ने चला लिया। एक जड़ा विग है ना वो पट्ठे पवैन वाले है साढ़े, तो एक विग है जड़ा ना पट्ठिया का वो पीच गया। एक विगा पीचण तो बाद पीटर जड़ा ना वो पानी सट गया, मतलब पानी घट हो गया। अबे दे पहुँचद जड़ा ना पानी वो बिल्कुल ला गया ख़त्म, मतलब निकलता ही पानी निकलना ही बंद हो गया। अच्छा जी वो दोबारा फिर गेड़ा मारन लगे ने पीटर नू, जो दोबारा गेड़ा मारन लगे ना अबे फिर बेल्ट छिकया, बेल्ट तो पाद के बेल्ट छिकया, चाचा गेड़ा मारन लगा, वो गेड़ा पूरा कोई ना लगा टस। जो पीटर दी छड़ी पंजाबी जड़े ने साडे बिरा वेखदे पे ने ये बेहतर चंगी तरह समझते हैं, पीटर जो गेड़ा मारी गए फिर टस एक होंगी है, वह टस थले दबा दे भी दी पीटर उठ जाता है फिर चल जाता, फिर टस दबाई वो पीटर जड़ा ना अगह फिरन के बजाय पिछा फिरन लग गया, वो झटका पिछा लगा, वो अबे का हाथ बैल्ट दे विच मतलब बैल्ट नूं फट के छिकदा पिया, वो जिवें पिछा जोर लगा पीटर का वो अबे का हाथ जड़ा ना वो बैल्ट दे विच आ गया। हुण अबे का हाथ जदों बैल्ट च आया उंगली तो जहरी कर बैल्ट तो माफ़ी कोई नहीं देनी, वो भाई जी इतनी उंगली जड़ी है ना इतनी उंगली एक अगला जोड़ा पुट है ना सारा वो बैल्ट ला छड़िया, बाकी दूजी जी है विच वाली उंगली है जी इन भी काफ़ी मतलब जख्म हो गए ने। अच्छा जी वो मैं जो लाहौर निकलता पाया वो जी इतों नाल डेरा है वो मोटरसाइकिल तो लैके तो गया पिंड मेरे वालद ने, वो मैनू जाके पैगाम मिलया कि तेरे वालद का हाथ जोड़ा ना बैल्ट आया। यार पहली गल तो भाई इो जहा पैगाम या इो जहा जो सुनेहा हों ना वो सुनना ही बड़ा औखा हों, बड़ी तकलीफ होंगी है, तो खुदा ना करे किसी इंज का कोई सुनेहा माँ प्यो के हवाले ना करीबी रिश्तेदार, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हों। मैं अगे ये सफ़र दे विचों ये मैं बड़ा सफ़र अगे किया है, तो मैं अगे अजमा चुकया घर दे जो मेरे चाचे तो मेरी माँ का एक्सीडेंट होया ना, तो मैं पैगाम मिलया मैं ये मतलब ना बड़ा मैनू टेंशन उदों भी बन गई है,
हूँ तो मुड़ जहरी गल है वालदा तो मुड़ टेंशन इस वजह तू के ज़्यादा टेंशन इस वजह तू बन गई कि चाचा भी मजदूर है माँ भी घर मजदूर है तो वो अबे का बतेरा सानू मेरे वालद का मैं ढेर सारा सानू आसरा पट्टे शट्टे ये वो सारा मतलब उनका भी हाथ बच्चे आ गया जो तो उंगली मैं उंगल वेखी कट्टी उत्ते चाचे ही इतों पट्टी पुट्टी वाल छड़ी जाए तो लै गए जी इत साढ़े नाल ही टिब शाह बलोले उत्ते लै गए वो डॉक्टर साहब आके के सरकारी हस्पताल पिंडी बट्टियां लै जाओ पिंडी बट्टियां लै गए तो उन्हें जनाब ना चैक किया तो उन्हें या ही चैक किया तो उन्हें आख्या कि दोनों चक्कर जरा नफसाबाद का लेना पौना वह बिच पट्ठा जोड़ा हूँ हड्डी ये भी नज़र आ रही है तो काफ़ी उनकी ट्रीटमेंट होनी है वो जी क्या किस्सा है वो एक फिर आंदने यार एक डॉक्टर है उन्होंने चैक कराने वो डॉक्टर मुंडा आया तो चैक किया उस आगे यार इन्हों नफसाबाद का चक्कर ना लवाओ तो अल्लाह किया तो उस मुंडे ने उस डॉक्टर ने उनकी मेहरबानी है उन्हें उत खुद ही मतलब ना कट कुट गए थे कि बेहतरीन तरीके टांके शांके ला छे उंगली के सामने बाकी दूजी उंगली ने भी इतने भी टांका लगे पिछे भी टांका लगे दूजी भी उंगली काफ़ी डैमेज हो गई लेकिन टुटन तो बच गई बाकी जी गल करने का मकसद है हूँ ना अज पानी पीटर जे मैं आया सुबह नाश्ता लै गया तो चाचे पीटर चलाया है हूँ एक मजूर है वेखो है हूँ कई लैके मैं आया पानी शानी चैक करने वास्ते ठीक ना मैं तो एक राली जी हो पी है राली पंजाबी जबान एक क्यारे आखते हैं तो एक क्यारी पानी जरा हो गया दूसरी क्यारी लगा है तो चाचा होने वो सो नाश्ता करो है दार चार कड्डी सो तो मैं इधे आया तो मैं मुनासिब समझा कि मैं ना एक निकी जी वीडियो बना के बिरावा नाल शेयर करा कि यार जट या जिमीदार किसान इन कितनी प्रॉब्लम है कितनी टेंशन परेशानियां ने फिर बाकी जी ना मज़े की गल है कि एक गरीब बंदे ना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पै जाता है क्योंकि गरीब बंदे को सोर्स ऑफ इनकम होंदा कोई नहीं तो उतो मसले मसायल जड़े ना वो ज़्यादा बाकी खालक मालक का शुक्र है अल्लाह इम्तिहान भी उनके तो लेंदा है जेड़ा उस काबिल होवे ठीक है तो बाकी शुक्र है मालक का करोड़ करोड़ एहसान है तो पूरा हाथ भी यार वेच आ जाता बेल्ट दे ते पूरा हाथ ही उंगलियां कटियां जानियां शुक्र है मालक दा के उंगली एक आई है तो वो अगू जेड़ा एक पोटा हुंदा ना वो कटिया गया लेकिन साढ़े वास्ते किन्नी प्रॉब्लम दा सानू सामना करना पिया है हुण कम अज कम कमो बेश भी दो ढाई महीने तीन महीने मेरे वालद दे वो रेस्ट ते ही लगने ने ठीक है ना हुण मैं कल लाहौर जा रहा अपने काम शाम ते क्योंकि यार एक दिन भी वेला जिहड़ा ना वो नहीं गुजरिया जांदा ले हुण मेरे वेखो इंसान की सोचता है हुंदा की है ये खालक दी मर्जी है बाकी एक दिन भी वो मतलब कोशिश आई कि ना जाया हो हूँ दो ढाई महीने इतने मतलब जहरी गल है मुड़ हूँ चाचे तुम्हें पूरा काम नहीं होना हूँ मैं ही जहरी बात है अगे पिछे को पट्ठा बड़ा या को गाह कमां दिचू मारना है साडा झटका हिसाब किताब है इन्हें तुम्हें असी सीधी गल पुछते हो ना तो असं बागी नहीं हो सकते हालांकि मेरे प्यो तो मैनू पता नहीं मेरे वालद साहब मैनू पता नहीं कितनी दफ़ा आख चुके ने कि पुत्र ऐ थोड़ी जमीन जड़ी कि ना ये मैनू भी कुछ नू इस दिता दकिया तो सिवा तो पुत्र तू भी जड़ी कि ना जानी कर तो मैं ना नहीं मेरे वालद की जिते जिंदगी गुजरी है ना तो वेखो ना एक नवी जगह तो जाना बसेरा करना या मतलब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो मुड़ जिते बचपन गुजरिया हो सारी जिंदगी गुजरी हुई उन्होंने भुला के जीना बड़ा औखा हो जाता यार तो बाकी मैं चाहना कि मतलब सिस्टम नू इत्थे ही अपडेट किया जाए तो बाकी जिवें खालक मालक की मर्जी है होना उनकी है लेकिन गल करने का मकसद है कि गरीब बंदे नू बड़ी यार परेशानी का सामना करना पड़ता है तो खुदा की जात ही उनका साथ देती है खुदा तो इलावा मैं बंदा नहीं समझता कि बंदे दे सिर ते बंदे लगे वतदे ने अल्लाह की जात जिहड़ी बंदियां नू लई वतदी है
बाकी जो होना हो गया तो बाकी हूँ पानी लाया पीटर चलता पे आवाज आ रही होनी है यह पट्ठे ने रेंदे पे पानी लगा है ठीक है ते ओ पर बिगा वो पानी कल ही पिवा छड़िया वालद मेरे अज पीटर दोबारा चलाया है ते हूँ पानी वेखो भी किन्ना रह गया किन्ना हो गया मोड़ा अपना सारा प्रस समाल डंगर का पट्ठे छट्ठे वड्डांगे उगा शाह बना लिया मैं कमांडा के पिछू मुड़ी गल माल डंगर तो नहीं ना पता भी सानू जरा गाह शाह मार के करता है वो अंदाज हथ कटिया गया यह तो ये बिल्कुल जरूरी है इन कोई छुट्टी नहीं है समझ आई तो साढ़े हक दुआ करे कि अल्लाह पाक आने वाले वक्त बेहतर करे बाकी वेखो ना कोई दुआ करने वाला हो अल्लाह पाक जेड़ा ना वो किसी के हक की दुआ कभी भी थले नहीं आन दिता मालिक बाकी दुआ दुआडी खुद की भी कबूल होंगी लेकिन जी किसी की जबान मंगाई हुई दुआ होंगी ना मालिक वो बड़ा जल्दी कबूल करता तो साढ़े हक जनाब दुआ कर अल्लाह पाक बेहतर करे दुआएं याद रखे अपना ढेर सारा ख्याल रखे मेरी तरफों ढेर सारा प्यार अल्लाह हाफिज़।